नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर अभिनंदन है। अपना संख्या पद्धति का टॉपिक चल रहा था, उसमें आज का अपना है दशमलव संख्या। आज हम दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास में दशमलव संख्या है, जैसे दशमलव अपने पास में। दशमलव अपने पास में दो प्रकार से होता है। एक तो अपने पास में होता है शांत शांत दशमलव, एक अपने पास में होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव और जो शांत दशमलव है वो अपने पास में दो प्रकार से होता है। अशांत में अपने पास अशांत आवर्ती और एक अपने पास में होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती ये अपने पास में होता है। शांत दशमलव अपने पास में कौन सी होती है? जैसे अपने पास में 2/5, 1/2, 1/4। जैसे 2/5 अपने पास कितना होता है? 2 में 5 का भाग लाते तो अपने पास कितना आता है? यहाँ से अपने पास 0.4। यह आता अपने पास में शांत दशमलव का मतलब अपने पास में भाग चला गया और भाग अपने पास रुक गया। आगे अपने पास भाग नहीं जा रहा है तो संख्या अपने पास यहाँ तक ही भाग जाएगा, तो संख्या अपने पास यहाँ तक रुक गई। 1/2 अपने पास में कितना होता है? 0.5। इसके आगे अपने पास में संख्या नहीं होगी, मतलब शांत हो गई, मतलब संख्या ही रुक गई। 1/4 अपने पास कितना होता है? 0.25। ये अपने पास संख्या ही रुक गई, आगे अपने पास भाग नहीं जा रहा है, तो ये अपने पास में क्या हो गई? शांत दशमलव हो गई। अपने पास में अशांत दशमलव, अशांत दशमलव अपने पास में दो प्रकार से होती है, अशांत आवर्ती और एक होती है अशांत अनावर्ती। जैसे अपने पास में शांत आवर्ती, जैसे अपने पास में 11/15, ये संख्या अपने पास में 15 का 11 में भाग लगाओ तो अपने पास में 0.110 में 15 का भाग, 15 × 105, अपने पास 5 बचेगा, 50, 15 × 45 3, फिर अपने पास में 15 × 45 3, 15 × 45 3, ये अपने पास में भाग क्या होगा? चलता जाएगा, मतलब भाग अपने पास रुकेगा नहीं, यानी कि क्या होगा? अशांत होगा। अपने पास में 8/11, 8/11 अपने पास में क्या होगा? 11 में इसका भाग लगाओ तो 0.1177, अपने पास कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 और 0 30, 11 × 2 = 22, 8 और 11 = 77, 7 × 2 = 7, 2, ये अपने पास में भाग क्या होगा? चलता जाएगा, मतलब भाग अपने पास में क्या होगा? इसमें रुकेगा नहीं, इसमें अपने पास भाग रुक गया था, मतलब शांत था तो शांत दशमलव होगी, इसमें अपने पास भाग रुक रहा नहीं है तो ये अपने पास में क्या होगी? अशांत दशमलव होगी। और जो संख्या जो है वो अपने पास में सेम है, जैसे 3 3 3 3 चलता जाएगा, इसमें 7 2 7 2 7 2 7 2 चलता जाएगा, तो अपने पास में क्या होगी? आवर्ती सेम होगी, अशांत आवर्ती होगी। आवर्ती सेम है तो अपने पास में क्या होगी? अशांत आवर्ती। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.7, और अपने पास में 3 चलता जा रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके ऊपर हम बाहर लगा दें तो अपने पास में 3, ये बाहर क्या प्रदर्शित करेगा? बाहर ये प्रदर्शित करेगा कि ये 3 n टाइम तक जा रहा है, मतलब n बार जा रहा है, 3 3 3 3 3। जैसे अपने पास में यहाँ पे 0.7 और 2 72, इस 72 पे बाहर लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि 72 72 72 चलता जाएगा। इसमें ये संख्या और ये संख्या क्या प्रदर्शित करेगी? अशांत आवर्ती को प्रदर्शित करेगी। अशांत अनावर्ती अपने पास में, जैसे अपने पास में हो गया √2 √3, या अपने पास में पाई। √2 का वैल्यू अपने पास में कितना होता है? ये अपने पास में होता है 1.414, चलता जाएगा। 1.732 चलता जाएगा। ये अपने पास में होता है 3.1415, ये अपने पास चलता जाएगा। यानी कि अपने पास में क्या है? आवर्ती क्या है? आवर्ती अशांत है, लेकिन आवर्ती अपने पास में क्या है? दशमलव अपने पास में अशांत दशमलव है, और आवर्ती अपने पास में क्या है? अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब अपने पास में जो संख्याएं हैं वो अपने पास में क्या है? अलग अलग है। इसमें अपने पास जो संख्या थी, एक ही अंक अपने पास बार 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 रिपीट हो रहा था, इसमें अपने पास जो संख्याएं हैं वो अपने पास में क्या है? अलग अलग है, तो ये अपने पास में क्या है? अशांत अनावर्ती है। जैसे अपने पास में ये सभी प्रमेय संख्या है, ये भी अपने पास में क्या है? प्रमेय संख्या है, और ये अपने पास में क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो इसका मतलब अपने पास रिजल्ट क्या निकलेगा? कि जो प्रमेय संख्याएं होती है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार
या तो शांत या फिर अशांत, आवर्ती, अशांत आवर्ती होता है। जो परमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अपने पास में क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत, अनावर्ती होता है। जो अपने पास में परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार अपने पास में क्या होता है, या तो अपने पास में शांत होगा या अपने पास में क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार अपने पास में क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। जैसे अपने को एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि जो अशांत आवर्ती दशमलव है इसको परिमेय संख्या में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो ये अपने पास में जो संख्या है वो कौन सी है, वो अपने पास में है अशांत आवर्ती, क्योंकि आवर्ती अपने पास में रिपीट हो रही है। इस बार का मतलब क्या है कि ये 35 अपने पास बार 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 रिपीट हो रहा है, तो ये अपने पास में क्या है, अशांत आवर्ती है। तो इसको अपने को क्या करना है, परिमेय संख्या में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो ये जो मेरे पास अपने पास संख्या दी गई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.235। ये अपने पास में कैसा होगा संख्या, ये अपने पास में ऐसे होगी 35 35, ये अपने पास में चलती जाएगी। इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको एक्स के बराबर रखें, और ये जो अपने पास 35 है ये अपने पास में एन टाइम तक मतलब चलता जा रहा है, तो 35 35 35 35 अपने पास में क्या होगा, चलता जाएगा, ये संख्या बढ़ेगी अपने पास में। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टी गुणा करते हैं, इसको 10 से गुणा करते हैं पूरी संख्या को, तो अपने पास में इधर क्या होगा 10x। इसको 10 से गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या होगा 0.35 35 35, ये अपने पास में होगा। यानी कि 10 से गुणा करते हैं अपने पास में इधर 0.1 संख्या इधर आ जाएगा, आ जाएगा। आगे अपन इसको किस क्या करते हैं, इसी संख्या को 10 से और गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको 10 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3, ये पॉइंट अपने पास यहाँ आ जाएगा 5 3 5 3 5, अपने पास ऐसे होगा। फिर इसको क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो ये अपने पास में कितना होगा, 1000 हो जाएगा। 1000x बराबर ये अपने पास में कितना होगा 0 2 3, ये अपने पास में 5 3 5 3 5, अपने पास क्या होगा, चलता जाएगा। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, अक्ष के बराबर लेके, और ये जो भार उस भार को उठाया और 35 35 35 35 एंड टाइम तक कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट अपने पास इधर आ गया। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 100 गया, इधर ये पॉइंट, फिर एक संख्या इधर आ गया, इधर 1000 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, ये एक पॉइंट अपने पास फिर इधर कैसे गया। तो अब अपने पास में अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 4 में से एक घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाओ तो अपने पास क्या बचेगा, इधर अपने पास में 1000 में से समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1000 में से अपने पास में 10 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 990 और x, ये बचेगा अपने पास में। इधर अपने पास में 0.235, इसमें से अपने पास 2.35 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 233, 233 अपने पास में बचेगा यहाँ से, इसमें से ये जाएगा तो अपने पास में क्या बचेगा 233। तो x बराबर अपने पास कितना हो गया, 233 बट्टा 990, ये अपने पास में x का वैल्यू हो गया। यानी कि ये जो संख्या थी ये अपने पास में किसके बराबर हो गई, इसके बराबर। अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव थी, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड हमारे पास क्या रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे। तो अगले एग्जाम्पल है उनको हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, हम इस तरह ना करके डायरेक्ट इसको परिमेय संख्या में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आगे के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे जैसे अपने को संख्या दी गई है, इन संख्याओं को अपने को क्या करना है, ये अपने पास में संख्या कौन सी है,
ये अपने पास में है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति संख्याएं, इन संख्याओं को अपने को क्या करना है, परिमेय संख्याओं में चेंज करना है। तो अपने पास में दूसरा मेथड क्या है, जैसे अपने पास ये संख्या थी, इसका आपने क्या किया अभी पिछले क्वेश्चन में, इसका इसको परिमेय संख्या में चेंज किया, लेकिन वो हमारे पास तरीका दूसरा था, वो हमारे पास लंबा मेथड था, इसको हम एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जो अपने लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसको अपने को क्या करना है, परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो अपने पास में जो संख्या दी गई है, संख्या में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने पास संख्या दी गई है उस संख्या को एजिटीज लिखेंगे। जैसे अपने पास ये संख्या दी गई है, इस संख्या को एजिटीज ऐसे कैसे लिख दूँ, यहाँ पे 2, 3 और 5, 12 ठाके एजिटीज इस संख्या को यहाँ लिख दो। माइनस जो संख्या अपने पास में बाहर के इस तरफ जो अपने पास संख्या है, बाहर के इस साइड जो भी हमारे पास संख्या है, उस संख्या को क्या करो, इसके माइनस में यहाँ लिख दो। अपने पास में कितना है, बाहर के बाद में 0, 2। ये अपने पास में जो पूरी संख्या थी उसको अपने यहाँ लिख दिया, 2, 3, 5 लिख दिया, उसमें से माइनस कर दिया जो बाहर के इस तरफ जो संख्या थी ना अपने पास में, उस संख्या को इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये अपने पास में हो गया। आगे जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतने अपने को क्या करने हैं, 9 लिखने हैं। दो संख्या के ऊपर बाहर है तो अपने क्या कर दिया, 2 बार 9 लिख दिया। और पॉइंट और जो संख्या जिस संख्या में बाहर है उसके बीच जितने भी अंक हैं उतने क्या लगा दो, 0 लगा 0 लगा दो। जैसे अपने पास में ये संख्या थी, इस संख्या को एजिटीज ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया, 2, 3, 5, 2, 3, 5 लिख दिया। उसके बाद में माइनस बाहर के अलावा जो भी संख्या अपने पास बचती है उसको क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। क्या बस रहा अपने पास में, 0 और 2, 0 और 2 को इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बटे में अब क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बाहर है उतनी बार 9 लिख दो। दो संख्या के ऊपर बाहर है तो 2 बार क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। यहाँ पे पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच जितने भी अपने पास अंक है उतने क्या कर दो, 0 लगा दो। तो अपने पास में ये टर्म बन जाएगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 233, 35 में से 2 जाएगा तो 33 बचेगा, और यहाँ से अपने पास में 990। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या में चेंज हो जाएगी। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो अपने पास संख्या दी गई है उस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो बार को ठगे। तो 145 है, 145 को ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब बार के अलावा जो भी संख्या अपने पास है उसको माइनस कर दो। तो बाहर के अलावा अपने पास में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, उसको इसमें से उसको यहाँ लिख दो, माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बार 9 लिखो। कितने संख्या पे बार है, दो संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लिखो, 2 बार 9 लिख दिया। पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच जितने भी अंक है उतने बार 0 लिखो। तो पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच अपने पास कोई अंक नहीं है तो 1 भी बार 0 नहीं लिखेंगे। अपने पास यहाँ कोई अंक नहीं है, पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच कोई अंक नहीं है तो अपने पास 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अपने पास पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच एक अंक था तो 1 बार 0 लिख दिया। यहाँ पे अपने पास कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास कितना बनेगा, यह बनेगा अपने पास 144/99, यह बनेगा अपने पास में। अगर ये अपने पास में कट रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये अपने पास किससे कट रहा है, ये अपने पास 9 से कट रहा है, या 9 एकम 9 और 9 एकम 9। ये अपने पास में 9 एकम 9 कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 9 6 है 54। तो अपने पास ये कितना बटेगा, 16/11। ये अपने पास में क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या थी, इसको पुनः क्या कर दिया, परिमेय संख्या में चेंज कर दिया। जैसे ये संख्या है, ये अपने पास में क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, इसको परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो अपने पास में वही मेथड, जो संख्या दी गई है उसको डायरेक्टली ऐसा का ऐसा लिख दो। जैसे 2, 0, 6, बार को ठाके और पॉइंट को ठाके लिख दो, ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस। बार के अलावा जो भी संख्या बच रही है उसको क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो बार के अलावा अपने पास कितना बच रहा है, 20 बच रहा है इधर, तो इसमें से 20 को क्या कर दो, माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखो। एक संख्या भी बार है तो 1 बार क्या कर दिया, 9 लिख दिया, लिख दिया। पॉइंट और 6 के बीच जितने भी अपने पास में अंक है उतनी बार अपने को क्या करना है, 0 0 लिखना है। तो अपने पास में पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच एक अंक है तो 1 बार क्या कर दो, 0 लिख दो। ये अपने पास ये टर्म बन जाएगा। यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, 206 में से 20 जाएगा। तो अपने पास में कितना बचेगा, यहाँ से ये अपने पास में बचेगा 186, और ये अपने पास में कितना बचेगा, 90। ये बचेगा अपने पास में, ये अपने पास में किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, या 3 से कट रहा है, 3 3 9, और ये अपने पास 0। ये अपने पास में 3 से कट रहा है, 3 6 है 18, और 3 2 9 6।
ये अपने पास में और कट रहा है या दो से कट रहा है, तो ये अपने पास में 15 और ये अपने पास में 31, 31/15, ये अपने पास में क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अपने पास ये संख्या है, इसको अपने को क्या करना है, परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो जो भी अपने पास संख्या दी गई है उस संख्या को डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दो पॉइंट को और बार को उठाइए। तो अपने पास में कितना कितनी संख्या है, 3, 2, 1, 7, इधर 0 का कोई मतलब अपने पास रहेगा नहीं, माइनस। बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बाहर के अलावा अपने पास कितना है, 32 बच रहा है, 0 32, तो 0 तो अपने पास मतलब है नहीं आगे, अगर संख्या के आगे अपने पास 0 है तो उसका तो अपने पास मतलब है नहीं। तो अपने पास में कितना बच गया, 32, ये 32 यहाँ लिख दो। अपोन में जितनी संख्या पे बार है उतनी बार नो लिखो, दो संख्या पे बार है तो 2 बार नो लिख दिया। पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच जितने भी अंक है उतनी बार 0 लिखो, पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच 2 अंक है तो उतनी बार 0 लिख दिया, 2 बार 0 लिख दिया। यहाँ से अपने पास कितना बढ़ गया, 7 में से अपने पास 2 गया तो 5 बच गया। इधर अपने पास में 11, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8 बच गया। यहाँ से अपने पास 1 और यहाँ से अपने पास 3, ये अपने पास बनेगा। अपॉन ये अपने पास में ये संख्या होगी। अभी अपने पास में किससे कट रही है, ये अपने पास में 5 से कट रही है, 5 से काट दो, 5 6 30, 1 बचेगा, 1 18, 5 3 15 और 5 7 35, 5 6 30, 1 18, 5 3 15, 3 और 5 35, 5 7 35, ये 5 से कटेगा, 5 1 5, 4 बचेगा, 4 और 9 49, 5 9 45, ये अपने पास में 4 बचेगा, 4 और 0, 5 8 40, ये होगा अपने पास में। तो ये संख्या अपने पास में बनेगी। आगे अपने पास में 0 123 बार, इसको अपने को क्या करना है, 10 परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो अपने पास में वही मेथड, जो भी संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख दो, 1 2 और 3, पॉइंट को और बार को उठाके, माइनस। बार के अलावा जो भी संख्या है उसको क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो बार के अलावा अपने पास में कौन सी संख्या है, अपने पास में है 0 12, तो अपने पास में से माइनस कर दो किसको, 12 को माइनस कर दो। अपॉन में जितनी संख्या पे बाहर है उतनी बार क्या लिखो, नो लिखो। तो एक संख्या पे बाहर है तो एक बार क्या कर दिया, नो लिख दिया। पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, 0 लिखो। पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच अपने पास 2 अंक है तो 2 बार क्या करो, 0 लिख दो। तो अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से अपने पास 12 माइनस होगा तो अपने पास बचेगा 111 माइनस 990, अपने पास ये बचेगा। तो यहाँ से अपने पास उत्तर कितना आएगा, ये अपने पास 3 से कटेगा तो अपने पास में नीचे 3 3 और ये 0, ऊपर अपने पास 3 से कटेगा तो 3 3 9, और अपने पास में 2 और 1 21, 3 7 21, तो अपने पास कितना होगा, 37/330। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में अशांत आवृत्ति संख्या दशमलव है उनको क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कौन सी संख्या है, ये अपने पास में क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या में चेंज करेंगे। ये अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, इसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे और क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। तो अपने पास में इस संख्या को परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्या दी गई है उसको क्या करेंगे, पहले तो एजिटीज लिखेंगे। तो अपने पास जो संख्या है उसको पॉइंट को और बाहर को उठा के ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस। बाहर के अलावा अपने पास जो भी संख्या बचती है उसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अपने पास क्या बच रहा है, 0 3, तो 0 3 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार नो लिखेंगे, तो एक संख्या के ऊपर बाहर है तो एक बार नो लिख दो। पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिख दो, 0 लिख दो। तो पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच एक अंक है तो एक बार क्या कर दो, 0 लिख दो, हो गया। इनटू इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास संख्या दी गई है उसको ऐसे कैसे लिख दो, माइनस। बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। बाहर के अलावा अपने पास में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, तो 0 को इसमें से माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार क्या लिखो, नो लिखो। तो अपने पास 2 संख्या के ऊपर बाहर है तो 2 बार क्या लिखो, नो लिखो। पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, 0 लिखो। तो पॉइंट
और बाहर वाली संख्या के बीच अपने पास कोई अंक नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ जीरो नहीं लिखेंगे, अपने पास में ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करें तो अपने पास में 36 - 3 कितना हो जाएगा, 33/90 गुणा 45/99 ये अपने पास में होगा। इसको सिंपल करते हैं तो अपने पास में कितना होगा, ये 33 से कटेगा 3 बार, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 1/, ये अपने पास कितना हो जाएगा 3, 33 से कटेगा 3 बार, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 5 से 9 बार कटेगा, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 18 बार, ये होगा अपने पास में। और 9 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो आंसर अपने पास कितना आएगा, 1/2 3/6, तो अपने पास आंसर कितना होगा, 1/6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये अपने पास में कौन सी संख्या है, ये अपने पास में अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, इसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, इसको भी परिमेय संख्या में चेंज करेंगे, और क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो अपने पास में वही मेथड, जो संख्या दी गई है उसको ऐसे कैसे लिख दो, 0 47 ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस, बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। बाहर के अलावा क्या बच रहा है, 0 4 बच रहा है, इसको इसमें से माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या पे बाहर है उतनी बार 9 लिखो, तो एक संख्या पे बाहर है तो 1 बार 9 लिख दो। बाहर वाली संख्या और पॉइंट के बीच जितने भी अंक है उतनी बार 9 लिखो, तो बाहर वाली संख्या और पॉइंट के बीच अपने पास में एक अंक है तो 1 बार 0 लिख दो। ये अपने पास इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। प्लस जो संख्या दी गई है उसको ऐसे कैसे लिख दो, तो अपने पास में 6, अगर इधर 0 का कोई मतलब निकलेगा नहीं, माइनस, बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से माइनस करो, बाहर के अलावा अपने पास कितना है, 0 है, तो 0 को इसमें से माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार 9 लिखो, एक संख्या के ऊपर बाहर है तो 1 बार 9 लिख दो। पॉइंट वाली संख्या और बाहर के बीच जितने भी अंक है उतनी बार 0 लिखो, कितने अंक है, एक अंक है, तो 1 बार 0 लिख दो। प्लस ये अपने पास में जो संख्या दी गई है उसको ऐसे कैसे लिख दो, 6 और 3, माइनस, बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। बाहर के अलावा अपने पास में कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 को इसमें से माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार 9 लिखो, एक संख्या के ऊपर बाहर है तो 1 बार 9 लिखो। बाहर वाली संख्या और पॉइंट के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, 0 लिखो, तो अपने पास में एक अंक है तो 1 बार 0 लिख दो। ये अपने पास में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आगे इसको सिंपल कर सकते हैं, 47 में से 4 देगा तो कितना बचेगा, 43 बचेगा, 43/90 प्लस, यहाँ से अपने पास 6/90 प्लस, यहाँ से अपने पास 63 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 57/90 ये हो जाएगा। 90 अपने पास एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 और 3 9, 9 और 7 16 का 6, 80 अपने पास एक रहेगा। यहाँ से अपने पास में 5 और 5 कितना होगा, 10, ये अपने पास में होगा 106/90। इसको और सिंपल कर सकते हैं, ये 2 से कट रहा है, ये अपने पास 2 से कट रहा है 45 बार, ये अपने पास 2 से कट रहा है 5 और 3 53 बार, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 53/45। ये अपने पास में किसमें चेंज हो, पास में किसमें चेंज हो जाएगा, परिमेय संख्या में चेंज हो जाएगा। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन, इनको अपने को सोल्व करना है तो उसी मेथड का यूज करेंगे। ये अपने पास में संख्या दी गई है, ये अपने पास में कौन सी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है, इसको दशमलव संख्या में चेंज करेंगे और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो भी संख्या अपने पास दी गई है उसको एज इट इज रखो, एज इट इज रख दिया, माइनस, बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको माइनस करो, तो अपने पास कितना होगा, 7। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार 9 लिखो, तो 1 के ऊपर बाहर है तो 1 बार 9 लिखो, और पॉइंट और बाहर वाली संख्या के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या कर दो, 0 लिख दो। प्लस इसमें जो संख्या दी गई है उसको एज इट इज लिखो, माइनस, बाहर के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से माइनस कर दो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार क्या लिखो, 9 लिखो, पॉइंट वाली संख्या, पॉइंट और बाहर के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, 0 लिखो, तो अपने पास में एक अंक है तो 1 बार 0 लिख दिया। प्लस जो भी संख्या दी गई है उसको एज इट इज लिखो, माइनस, बाहर के अलावा जो भी संख्या बच रही है, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 4 को माइनस करो। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतनी बार 9 लिखो, एक संख्या के ऊपर बाहर है तो 1 बार 9 लिखो,
पॉइंट वाली संख्या और बार के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, जीरो लिखो। तो अपने पास में कितने अंक है, एक अंक है, तो एक बार क्या करूँ, जीरो लिख दूँ। आगे इसको सोल्व करूँ, आगे इसको सोल्व करते अपने पास क्या होगा, तिहत्तर में से सात जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, तेरह में से सात जाएगा छः बचेगा, और अपने पास यहाँ कितना बचेगा, छः बचेगा, छियासठ बचेगा, छियासठ बटा नब्बे प्लस यहाँ से अपने पास पाँच बटा नब्बे प्लस यहाँ से अपने पास तैयारीस बटा नब्बे, यहाँ से अपने पास नब्बे लघुत्तम आएगा, यहाँ से अपने पास में कितना होगा, छियासठ प्लस पाँच प्लस तैयारीस, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा नब्बे, ये अपने पास कितना होगा छः और तीन नौ और पाँच चौदह, चौदह का अपने पास चार, असल अपने पास एक रहेगा, छः और चार दस और एक कितना होगा ग्यारह, ये अपने पास कितने से कट रहा है, ये अपने पास छः से कट रहा है, छः एकम छः और छः पंजू तीस, ये अपने पास में छः एकम छः, अपने पास कितना बचेगा पाँच और चार छः नौ चौवन, या फिर हम इसको क्या ले सकते हैं, पंद्रह बटा उन्नीस को, उन्नीस बटा पंद्रह, उन्नीस बटा पंद्रह को हम क्या ले सकते हैं, उन्नीस का इसमें भाग दो, पंद्रह का भाग दो इसमें, तो पंद्रह एकम पंद्रह, एक पॉइंट अपने पास कितना बचेगा, चार बचेगा, चार और जीरो चालीस, तो पंद्रह दूना तीस, अपने पास कितना बचेगा दस बचेगा, तो दस यानी सौ, पंद्रह छिक है नब्बे, अपने पास दस बचेगा पंद्रह छिक है नब्बे, दस बचेगा पंद्रह छिक है नब्बे, दस बचेगा पंद्रह छिक है नब्बे, ये अपने पास चलता जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आएगा, एक पॉइंट दो छः का भार, तो इसका आंसर अपने पास में क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में तो अपने पास क्या होगा, उन्नीस बटा पंद्रह, और इसका शांत अशांत आवर्ती संख्या के रूप में अपने पास इसका आंसर क्या होगा, एक पॉइंट टू सिक्स का भार, ये अपने पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये भी अपने पास आंसर ऑप्शन में हो सकता है, और अपने पास में ऑप्शन में ये भी हो सकता है, जो भी अपने पास ऑप्शन में होगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जैसे अपने पास में आगे ये दिया गया, इसको अपने को सोल्व करना है, जैसे अपने पास में जो संख्या दी गई है उसको एज इट इज लिखो, बार के अलावा जितने भी अंक हो उनको माइनस कर दो, जितनी संख्याओं के ऊपर भार उतनी बार नो लिख दो, हो गया काम, प्लस जो संख्या दी गई है उसको एज इट इज लिख दो, बार के अलावा जो भी अंक है उनको माइनस कर दो, अपॉन जितनी संख्या में भार है उतनी बार नो लिख दो, प्लस संख्या को एज इट इज लिख दो, बार के अलावा जो भी अंक है उसको माइनस कर दो, जितनी संख्या में भार है उतनी बार नो लिख दो, और पॉइंट और भार वाली संख्या के बीच जितने भी अंक होते हैं उतनी बार क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, या अपने पास एक भी अंक नहीं है तो पुणे आप एक भी बार क्या, जीरो नहीं लिखा, इसको सोल्व करते हैं, छत्तीस बटा निन्यानवे, इक्यावन बटा निन्यानवे, सत्ताईस बटा निन्यानवे, अपने पास कितना हो जाएगा, निन्यानवे एलसीएम आएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, सात और छः दूनी चौदह, ये अपने पास चार, चार और दो छः, छः और पाँच ग्यारह, अपने पास ये होगा एक सौ चौदह बटा निन्यानवे, ये अपने पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये अपने पास में किसी संख्या से कटता है तो ये अपने पास तीन से कटता है, तो अपने पास कितना होगा, तीन और तीन, ये अपने पास में तीन तीन नौ दो बचेगा, और तीन सात इक्कीस, तीन घंटे चौबीस, बस क्या होगा, इसका आंसर होगा परिमेय संख्या के रूप में। आगे आगे अपने को क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर पाँच, इसको अपने को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है, तो अपने पास में वही मेथड होगा, जो संख्या दी गई है उसको एज इट इज लिख दो, भार को और पॉइंट को उठा के, माइनस भार के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से माइनस कर दो, तो अपने पास कितना है, चार है, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर भार है उतनी बार नो लिखो, तो एक संख्या के ऊपर भार है तो एक बार नो लिखो, पॉइंट वाली संख्या और भार के बीच जितने भी अंक है उतनी बार जीरो लिखो, तो अपने पास में एक अंक है तो एक बार जीरो लिख दो, प्लस जो संख्या दी गई है उसको एज इट इज लिख दो, माइनस भार के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस जीरो, जितनी संख्या के ऊपर भार है उतनी बार नो लिखो, पॉइंट वाली संख्या और भार के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, जीरो लिखो, जीरो, प्लस जो संख्या दी गई है उसको ऐसे कैसे लिख दो, माइनस भार के अलावा जो भी संख्या है उसको इसमें से माइनस करो, तो अपने पास कितना है, छः है, छः को इसमें से माइनस कर दो, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर भार है उतनी बार क्या लिखो, नो लिखो, एक संख्या के ऊपर भार है तो एक बार नो लिखो, पॉइंट वाली संख्या और भार के बीच जितने भी अंक है उतनी बार क्या लिखो, जीरो लिखो, तो यहाँ जीरो लिख दो, अपने पास ये हो जाएगा। आगे अपने पास क्या होगा, यहाँ से अपने पास बचेगा चौवालीस बटा नब्बे प्लस सात बटा
90 प्लस यहाँ से अपने पास में 56 बटा 90, तो अपने पास में एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 का अपने पास 7, असल अपने पास 1 होगा, तो 5 और 5 अपने पास कितना होगा, 10 होगा। 107 बटा 90 ये अपने पास में क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में इसका आंसर होगा, परिमेय संख्या के रूप में इसका आंसर होगा। यदि अपने को अशांत आवर्ती के रूप में इसका आंसर फाइंड करना हो तो अपने पास क्या होगा, इसको हम क्या ले सकते हैं, जैसे ये अपने पास में 107 है, इसमें 90 का भाग देते हैं तो अपने पास कितनी बार जाएगा, ये अपने पास एक बार जाएगा, 90 एकम 90, अपने पास कितना बचेगा, यहाँ से 17 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, अपने पास कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90, तो अपने पास में 90 कितना बचेगा, अपने पास में यहाँ से 80 बचेगा, 80 बचेगा, 80 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, तो अपने पास में कितनी बार जाएगा, 9 × 72 8 बार जाएगा, ये अपने पास में कितना होगा, 720, अपने पास कितना बचेगा, 80 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 720 8 बार जाएगा, ये अपने पास में 80 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे 720, ये अपने पास कितनी बार देगा, 8 बार जाएगा, तो अपने पास में टर्म क्या रहेगा, चलता जाएगा टर्म, चलता जाएगा भाग, अपने पास में शांत नहीं होगा, अशांत होगा, तो अपने पास में भाग चलता जाएगा, और अशांत कौन सा, अशांत आवर्ती, तो अपने पास में आंसर क्या होगा इसका, ये अपने पास में बराबर क्या होगा, 1.1888, ये अपने पास में होगा, और इसको हम कह ले सकते हैं 1.18, 8 के ऊपर बार लगा दें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये बताएगा कि 8 अपने पास एंड टाइम तक चल रहा है, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये अपने पास में परिमेय संख्या के रूप में, और ये अपने पास में अशांत आवर्ती के रूप में, ये अपने पास परिमेय संख्या के रूप में, और ये अपने पास में अशांत अशांत आवर्ती के रूप में इसका आंसर होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं।